अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। हमारे देखने वाले जहाँ जहाँ भी, उम्मीद करती हूँ खैरियत से, आमीन। तो आज किसी भी बड़े से बड़े यूट्यूबर ने वो रेसिपी नहीं बनाई जो सिद्रा किचन ब्लॉग ने बनाई है। तो आपने यूट्यूब पे पहली दफ़ा धूम मचाने वाली रेसिपी सिद्रा ने बनाई है, बीफ स्लाइस, जो बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े के और जूसी बने थे। तो आप बकरीद पे ही बना सकती हैं। पहले तो बकरीद से पहले ज़रूर ट्राई करें और मेहमानों को सर्व करें मज़ेदार सी ये हमारी प्यारी सी रेसिपी। चलिए किचन में चलते हैं और मज़ेदार सी आपको रेसिपी बनाना बताते हैं। घर का काम वगैरह हो गया है और टाइम बज रहा है 4:30, और यहाँ की भी सफाई हो गई है और ये वाले और इस रूम की भी हो गई सफाई। ये देखिए माशाल्लाह से सफाई वगैरह हो गई है, फुल सफाई हो चुकी है। और अभी हमने करा था जीना साफ, वहाँ भी आपको लेके चलते हैं। ये देखिए हमारा जीना साफ़ सुथरा है। आज हमने लगाई थी अपने, पड़ा था किचन में थोड़ा सा काम, तो हम सोच रहे थे किचन का भी काम निपटा लें क्योंकि लाइट गई हुई है। तो चलते हैं किचन में, आज देखें कितना फैलाव आ रहा है क्योंकि आज काम ज़्यादा था। तो अभी देर में काम करना शुरू हुई थी तो कल हादसे की वजह से थोड़ा मसला हो गया था। हमें ऑयल गर्म करने रख दिया। आज खाने में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, यम्मी, जो कभी आपने ना सुना होगा और ना ही खाया होगा। तो आज बना रहा है स्लाइस गोश्त, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बताए। तो इस तरह से हमने गोश्त की स्लाइस ले लिए, देखिए इस तरह से स्लाइस ले लिए हैं। इसका साइज़ पकने के बाद थोड़ा सा और कम हो जाएगा। तो इसी स्लाइस के स्टाइल में काटनी है प्याज, देखिए इस तरह से हम प्याज की कटिंग करेंगे। ऐसी वाली नहीं, यूं वाली कटिंग करेंगे। तो ये देखिए स्लाइस की कटिंग भी दिखा दी हमने आपको प्याज की। और ये हमारे मसाले वगैरह ख़त्म हो गए थे, हमने वो भी डाले अपने बॉक्स में, देखें बॉक्स में डाल चुके हैं। और किस तरह से बनेगा चले हम साथ साथ आपको रेसिपी शेयर कर देते हैं। हम ऑयल गर्म करने रख चुके हैं, इसमें डालेंगे प्याज और प्याज को करेंगे फ्राई। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे स्लाइस गोश्त के। स्लाइस हमने इसमें ऐड कर दिए, इसमें अदरक लहसुन भी ऐड कर दिया। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, अदरक लहसुन की स्मेल निकालेंगे और इसका कलर चेंज होने तक इसको अच्छा सा पकाएंगे। और साथ ही मैं इन्ग्रीडियंट्स भी निकाल लिए हैं। मैंने निकाला है पिसा धनिया, पिसी मिर्च और पिसी हल्दी और थोड़ा सा ज़ीरा। और उसमें ख़ास इन्ग्रीडियंट्स जो हैं हमारे हैं चने। ये चना इस तरह से ही डालेंगे, मैं चनों को थोड़ा सा कूटूंगी, कूट के इसका बुरादा टाइप का बना लूँगी और फिर इसमें ऐड करूँगी। सबसे पहले कर देते हैं इसमें मसाले ऐड, अच्छा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। और अभी हमने नमक नहीं डाला, नमक डालेंगे अभी हम 6 से 7 मिनट बाद। इसको मिक्स कर लेते हैं। स्लाइस गोश्त बहुत मज़े का, यूट्यूब पे पहली दफ़ा किसी ने बनाया है स्लाइस गोश्त। वो किसने बनाया है, वो है सिद्रा किचन व्लॉग ने। तो ज़रूर आप यूट्यूब पे जाके मेरे रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा और ज़रूर देखिएगा। माशाल्लाह से कलर देख रही हैं आप, कितना अच्छा कलर है, क्योंकि लाइट भी गई हुई फिर भी इतना प्यारा सा कलर लग रहा है, अच्छा सा भून गया। अब हम इसमें डालेंगे पानी, इसी प्लेट से डाला जिसमें थे मसाले, क्योंकि थोड़े से मसाले इसमें चिपके हुए थे तो मैं मसालों को बिल्कुल ज़ाया नहीं करती। और इसी में मैंने पानी डाल कर इसको कर दिया कवर, तकरीबन करा 35 मिनट तक। मैंने निकाल लिया है क्योंकि हमें चनों का बुरादा बनाना था, तो ये मैं हटा के इसमें डाल लेती हूँ चने। ये देखिए इसमें चने डालती हूँ और इसको कूटूँगी हल्का सा, और इसका बुरादा तैयार करके डालेगा सालन। हमने दही लिया है और 2 टीस्पून के बराबर हमने चने का पाउडर लिया है, उसको करेंगे मिक्स। ये मैंने सिल पे पीस लिया था थोड़ा सा पानी वाला, तो मुझे को तो करना था लिक्विड स्टाइल में, तो मैंने ये लिक्विड करके अब मैं डाल देती हूँ माशाल्लाह से। ये दूध भी हमारा निकलने वाला है, पहले चूल्हा हल्का कर दें और फिर ये माशाल्लाह से देख रहे हैं आप कितना अच्छा भुन गया। ये इसमें मैं ऐड कर देती हूँ, यकीन करिएगा इतने मज़ेदार सी खुशबू आ रही है कि आपको क्या बताऊँ। आप लोग बनाएंगी तो आपको पता चलेगा कितने मज़ेदार बना। ये किसी ने आज तक यूट्यूब पे नहीं बनाई, फर्स्ट टाइम बना रही है सिद्रा किचन व्लॉग, बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही मज़े का। चलें अब थोड़ा सा इसको मैं और भूनती हूँ, फाइनली इसको कर देते हैं तैयार, जब तक हमारा दही का पानी खुश्क होता है। चला से हमारा स्लाइस बीफ बहुत लजीज, बहुत ही जूसी सा तैयार हुआ है। मैंने एक स्लाइस इसका लेके टेस्ट करा है, बहुत ही जूसी सा था। तो जल्दी से आप लोग भी बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा बीफ स्लाइस कैसा लगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं।